नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। कनौजिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी आज का खबर ये है कि कुवैत के सूक अल मुबारकिया में जो कुछ मीट की दुकानें हैं वहाँ पे कल अचानक बलदिया ने छापा मारा। तो छापा मारने के दौरान उसमें पाया गया कि जितनी भी मीट की दुकानें हैं वो सब बहुत सी दुकानों में सड़ा हुआ मीट बेच रहे थे, यानी कि जो एक्सपायर हो चुका था, खाने लायक नहीं था, फिर भी वो लोग बेच रहे थे उसको। तो बलदिया क्या क्या है, अभी निरीक्षण अभियान चल रहा है कि बलदिया अचानक से में छापा मार रही है खाने पीने की दुकानों पे या जितनी है, तो अगर उनमें कुछ भी अनियमितता पाई जाएगी तो वो दुकानों को सीज कर दिया जाएगा। और कल मीट की इतनी दुकानें थी जिनमें भी सड़ा हुआ मांस पाया गया था, वो सारी दुकानें सीज कर दी गई हैं। तो कृपया करके आप लोग जो भी लोग कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट और पूछिए, क्योंकि ये अपना अधिकार है। तो ये थी आज की आपके लिए लेटेस्ट खबर। और दूसरी खबर ये है कि हवली एरिया में एक नकली सीआईडी पुलिस अफसर बनकर के एक आदमी को, इंडियन एक प्रवासी को लूट लिया गया है। उसके पास से पैसे, मोबाइल सब कुछ छीन लिया गया है। उसने पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो अगर आप लोगों से कोई भी आदमी कुछ मांगता है कि आप अपना दिखाओ, तो उसको सिर्फ मोबाइल आईडी दिखाने का, पर्स वगैरह नहीं दिखाने का, क्योंकि आजकल पर्स छीन के सीधा भाग जाते हैं। पर्स वगैरह किसी को नहीं दिखाने का और पताका भी नहीं देने का, सीधा मोबाइल आईडी दिखाने का है, क्योंकि अगर आपने किसी को पताका दे दिया तो उसमें भी आप मुसीबत में फंस जाओगे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है कनौजिया ब्लॉग के नाम से, टिकटॉक में भी है नेक्रम कनौजिया, इंस्टाग्राम सभी में मेरा चैनल है। सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।